हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग अगले ग्रुप के बारे में सीखेंगे। उस ग्रुप का नाम है पैराग्राफ। ठीक है, इस पैराग्राफ ग्रुप से जाने से पहले देखिए, आप मेरे इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स अपने मेल में पाना चाहते हो तो youtube.com/hindi-techtips टाइप करने के बाद यहाँ सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करिए। अगर आप सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करोगे ना तो हर दिन मैं जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट्स लाता रहता हूँ ना, वो सीधा आपके मेल पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ आपको ये जो ऑप्शन है ना, इसको हम लोग बुलेट्स कहते हैं। इस बुलेट्स के जरिए देखिए आप इस तरह डॉट्स ला सकते हो। ठीक है, यानी आप जैसे पहले DCA सीखते हैं सब लोग, बाद में DTP सीखते हैं, बाद में C++, जावा। देखिए मैं जहाँ कहाँ पर भी एंटर प्रेस कर रहा हूँ ना, तो मुझको यहाँ एक बुलेट आ रहा है, इसको हम लोग बुलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जैसे आप ये लगा सकते हो। नहीं तो देखिए, आप कोई रेज्यूमे बना रहे हो, उसमें आपका हॉबीज टाइप करना चाहते हो, तो आपका हॉबीज क्या है उसको आप यहाँ देखिए इस तरह लगा सकते हो। ठीक है, वॉचिंग क्रिकेट, सिंगिंग, ठीक है, इस तरह प्लेइंग चेस, इस तरह आप जो कुछ भी लिसनिंग म्यूजिक, देखिए इस तरह आपको ये डॉट्स आ रहे हैं आगे। ये कब आ रहे हैं, मैं यहाँ कुछ टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ ना, तब आते हैं। ठीक है, अगर आप उसको हटाना चाहते हो तो और एक एंटर प्रेस कर दीजिए, और एक एंटर प्रेस करते ही देखिए वो गायब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप आसानी से इसके आगे बुलेट्स लगा सकते हो। बाद में देखिए, आप अगर नंबरिंग देना चाहते हो तो देखिए आपको यहाँ एक नंबरिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप ये लेते हो तो 1 के बाजू में डॉट आएगा, ये लेते हो तो 1 के बाजू में ब्रैकेट आएगा। बाद में देखिए आपको यहाँ 1 के बाजू रोमन डिजिट्स आएंगे, कैपिटल ए, स्मॉल ए, ए के बाजू में डॉट, बाद में देखिए आपको यहाँ रोमन डिजिट्स में, स्मॉल रोमन डिजिट्स में आ रहा है। ठीक है, तो पहले मैं इसको लेता हूँ, लेने के बाद मैं जो कुछ देखिए यहाँ DCA टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, DTP एंटर। ठीक है, बाद में C एंटर, C++ एंटर, तो एक बार एंटर प्रेस करता हूँ तो खुद ब खुद नंबर आ जाएगा। देखिए मैं इसी तरह टाइप करते जाता हूँ ना, जितना भी मैं टाइप करूँ वो नहीं आएगा, यानी नंबर नहीं आएगा। जब तक नहीं आएगा तब तक मैं एंटर नहीं प्रेस करता। ठीक है, अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक नंबरिंग आ जाएंगे। ठीक है, बाद में देखिए आपको यहाँ मल्टी लेवल लिस्टिंग मिलेगा। ठीक है, इस पर जाने के बाद आपको यहाँ देखिए 1.1 ये है ना, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए आप क्या सीख रहे हो, एम एस ऑफिस में क्या सीख रहे हो। एंटर प्रेस करते ही देखिए आपको वर्ड आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस तरह नहीं लिखते हैं, एमएस ऑफिस में यानी एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड सीख रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए देखिए आप एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद कीबोर्ड पे टैब बटन प्रेस करिए, टैब, ठीक है, कैप्स लॉक के ऊपर होता है, उसको प्रेस करते ही देखिए आपको ये 1.1 में आ जाएगा। अब देखिए वर्ड एंटर, बाद में क्या सीखोगे एक्सेल, बाद में क्या सीखोगे पावर पॉइंट। ठीक है, इस तरह आप एंटर प्रेस करते जाइए, ऑटोमेटिक आपको 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह आ रहा है। अगर आप 2 चाहते हो तो दोबारा एंटर प्रेस करिए। ठीक है, एंटर प्रेस करते ही देखिए बाद में आप DTP सीखोगे। DTP पे एंटर प्रेस करने के बाद DTP में क्या आएगा, फोटोशॉप पेज में अगर इस तरह आएगा तो उसको 2.1 बनाने के लिए टैब प्रेस करिए और यहाँ फोटोशॉप एंटर, पेज मेकर एंटर इस तरह दे दीजिए, बाद में एंटर प्रेस करिए, बाद में और एक आपको इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिए DCP डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो और टैब प्रेस करिए, सी सीख चुके हैं, सी में क्या कौन से टॉपिक आते हैं तो देखिए दोबारा से टैब प्रेस करिए। टैब प्रेस करने के बाद देखिए इसमें जो सी के टॉपिक्स आते हैं ना, वो सब आप यहाँ से लिख सकते हो, लूप्स, RS और स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, इस तरह आप जो कुछ भी चाहते हो इस तरह लिख सकते हो। फंक्शंस में क्या क्या आते हैं, ठीक है, वो भी लिखना चाहते हो तो एंटर प्रेस करिए और टैब प्रेस करिए, इस तरह आप कर सकते हो। ठीक है, आप अगर इससे बाहर आना चाहते हो तो एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए, जितने बार आप एंटर प्रेस करोगे वो पीछे आता जाएगा और लास्ट एंटर पर नंबरिंग चला जाएगा। ठीक है, इस तरह आप मल्टी लेवल का इस्तेमाल कर सकते हो। बाद में देखिए आपको यहाँ अलाइनमेंट दिखाई देगा, जैसे देखिए मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट टाइप कर चुका हूँ, ये टेक्स्ट मुझको करेक्ट पेज में सेंटर में चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये सेंटर पर प्रेस करते ही ये सेंटर पर आ जाएगा। इसको हम लोग राइट अलाइनमेंट करते हैं, इसको राइट पर प्रेस करते हैं राइट पर चला जाएगा, लेफ्ट पर चाहते हो तो लेफ्ट पर भी ला सकते हो। ठीक है, बाद में देखिए आपको इस पर और एक ऑप्शन दिखाई देगा, जस्टिफाई, यानी देखिए आपका ये सारा टेक्स्ट इधर जो है ना ये सब इक्वल है, पर इधर इक्वल दिखाई दे रहा है नहीं ना, तो देखिए इसको इक्वल करने के लिए आप सेलेक्ट करिए और यहाँ जस्टिफाई पर प्रेस करिए। ठीक है, जस्टिफाई पर प्रेस करते ही देखिए आपका सारा टेक्स्ट आपका यहाँ जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद सेट कर लेगा। अगर आप देखिए इसको जस्टिफाई लो प्रेस करने से, जस्टिफाई हाई प्रेस करने से, मीडियम प्रेस करने से, देखिए आपको हाई प्रेस करने से आपको देखिए एग्जैक्ट दिखाई देगा, यानी इधर इधर सारा आपको जस्टिफाई कर देगा। ठीक है,
एग्जैक्ट जस्टिफाई करेगा। अगर आप कुछ लो करोगे ना तो देखिए आपको नॉर्मल करेगा, यानी देखिए आपका लाइन के बीच में का गैप भी यहाँ से ये बढ़ा देगा एग्जैक्ट हाई जस्टिफाई प्रेस करने से, और ये हर एक वर्ड के बीच में का जो गैप है ना वो भी बढ़ा देगा, ठीक है, सब कुछ जस्टिफाई कर देगा ये। बाद में देखिए आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंडेंट, ठीक है, इस इंडेंट के ज़रिए आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हो राइट में से लेफ्ट को, लेफ्ट से राइट को। देखिए सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको प्रेस करोगे ना तो ये राइट में मूव होगा, अगर आप ये लेफ्ट पर प्रेस करोगे ना तो ये लेफ्ट पर मूव होगा। बाद में देखिए आपके ऊपर ये जो है ना इसको हम लोग इंडेंट कहते हैं, इसके ज़रिए भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए आप चाहते हो कि हर एक पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन जो है वही मूव हो, तो देखिए उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ देखिए इंडेंट में ये जो ऊपर है ना इसको हम लोग फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं, अगर आप इसको हटाओगे ना तो हर पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन है ना वही हटेगा, ठीक है, इसके ज़रिए। तो बाद में देखिए आपके पास यहाँ और भी ऑप्शंस है, जैसे लाइन स्पेसिंग, आप इसको सेलेक्ट करने के बाद हर एक लाइन के बीच में का गैप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके देखिए 1.5, 2.5, 3.0, इस तरह आप जितना भी बढ़ाते जाओगे ना उतना गैप आपका ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ एक और एक ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी देखिए हर एक पैराग्राफ के बाद में आपको गैप है, अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। ऐड स्पेस बिटवीन बिफोर पैराग्राफ, यानी हर एक पैराग्राफ के आगे स्पेस आ जाएगा, अगर आप ये लगाते हो तो आपको जितना गैप चाहिए वही गैप मिलेगा, ठीक है। बाद में देखिए आप किसी का बैकग्राउंड शेड करना चाहते हो, जैसे सेलेक्ट करके यहाँ देखिए इसके ज़रिए आप बैकग्राउंड को शेडिंग लगा सकते हो, जैसे ग्रे कलर इस तरह, ठीक है। ये प्रिंटिंग पर भी आएगा, हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन देखे थे ना ये टेक्स्ट हाईलाइटर है, ये आपको प्रिंटिंग पर नहीं आएगा, आपको टेक्स्ट सिर्फ हाईलाइट करके दिखाएगा, ठीक है। बाद में देखिए आप इसको कोई बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हो, यहाँ पर जाइए और यहाँ क्लिक करते ही देखिए आपको यहाँ सिर्फ बॉटम में बॉर्डर चाहिए या टॉप में चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट पर चाहिए, ऑल बॉर्डर्स, यानी इसके राउंड बॉर्डर आ जाएंगे, ठीक है। ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ बॉर्डर्स पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो बाद में देखिए आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए जेड, इसको हम लोग शॉर्ट कहते हैं, ये किस लिए है देखिए, जैसे मैं यहाँ ए एंटर, डी एंटर, बी एंटर, सी एंटर प्रेस कर चुका हूँ, तो जनरली इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी लिखते हैं ना, तो इस तरह आप कोई वर्ड्स को अल्फ़ाबेट ऑर्डर में करना चाहते हो तो सेलेक्ट करिए और यहाँ शॉर्ट पर जाइए और यहाँ असेंडिंग ऑर्डर प्रेस करके ओके प्रेस करते ही देखिए ए बी सी डी इस तरह बदल चुका है। अगर आप इसको डी सी बी ए करना चाहते हो तो सेलेक्ट करिए, इस पर जाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर लेके ओके प्रेस कर दीजिए, डी सी बी ए हो गया है, ठीक है। बाद में देखिए मैं यहाँ एक कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद एंटर 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 प्रेस करते हुए गया हूँ, ठीक है। तो आपको आप बता सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ एंटर प्रेस किया हूँ, नहीं ना, तो देखिए उसके लिए आपको ये पैराग्राफ मार्क काम आएगा, इसको प्रेस करते ही देखिए मैं जहाँ जहाँ पर भी एंटर प्रेस कर चुका हूँ ना वहाँ वहाँ आपको ये पैराग्राफ दिखाई देगा, आप इसके ज़रिए आसानी से जान सकते हो कि कहाँ कहाँ एंटर प्रेस हुआ है, ठीक है। अगर आप दोबारा से इसको निकालना चाहते हो तो इस पर ही प्रेस करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग अगले वीडियो में शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, गूगल प्लस के जरिए इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, थैंक यू।